शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओफे, आ गया। जरूर आ गया। नहीं, डेड एंड आ गया। भागने की कोशिश मत करो। मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे झांसा देके निकल जाओगे? देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। मगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था ना। हाँ, तो हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था। शट अप। अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। देखिए प्लीज, आप गोली मत मारिए। देखिए देखिए, आप जहाँ बोलिए वहाँ जाएंगे हम लोग। हम घर चले जाएंगे, जानू चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर। हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ? मैं यहाँ हूँ। शोले मैंने भी बहुत बार देखी है, समझा? वेल ट्राइड आदमी, वेल ट्राइड। थैंक यू। इसमें तेरी फॉल्ट थोड़ी, उसने शोले देखी है। या बहुत हो गया, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ सर, आप वहां से शुरू कीजिए ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर, हर पाप का एक पाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। तू हमें मौत का खौफ दिखा रहा था ना? हाँ, अरे हम तो रोज मौत का खेल खेलते हैं। इंस्पेक्टर, चल आज तू और मैं मौत का खेल खेलते हैं। इसमें गोली है। मुझे पता है रॉय, इसमें सचमुच गोली है। मर जाएगा। हाँ, मुझे पता है ना। आई नो इसमें गोली है। यू रेडी इंस्पेक्टर टू प्ले द गेम ऑफ डेथ? यू स्केर्ड? इट्स ओके। ओह, बच गए। ही सेव्ड। अब मेरी बारी है। करेक्ट। यस। ये मौत का खेल इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव रॉय के बीच में। अबे मरेगा। हादी, ही इज नॉट सो स्मार्ट। यस। रॉय, जाकर इसकी रिपेयर करवा लेते हैं, जो भी नुकसान होगा वो मैं भरे देता हूँ। नहीं चाहिए ना। अरे नहीं, देखिए आप लोग गले पड़ रहे, बोल दिया ना नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना, नुकसान भर लेना। अच्छा काम कीजिए, काम ये मेरे पास मेरा कार्ड है, ये कार्ड है मेरा विजिटिंग कार्ड। अच्छा, दो ये देखिए, डॉक्टर रस्तोगी। डॉक्टर रस्तोगी नाम है इनका। क्या नीचे मेरा क्लिनिक का एड्रेस है? देखिए, कभी भी अगर आपका इरादा बदल जाए तो आकर के मेरे क्लिनिक में मुझसे पैसे ले लीजिएगा। देखिए, हां ठीक है। देखिए अगर आपका इरादा कभी बदले, मेरे जाओ ना पुतला यार। इरादा अगर आपका कभी बदल जाए। आज सायन कोलीवाड़ा इलाके में पुलिस और अंडरवर्ल्ड के लोगों में हुई मुठभेड़ में
दो शूटर मारे गए। बताया जाता है कि ये दोनों ही शूटर मुन्ना गैंग के थे। मुन्ना जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है। मुन्ना की बढ़ती हुई एक्टिविटीज से पुलिस और शासन दोनों ही परेशान हैं। अब सुनिए खेल सवाल। परेशान तो हो गई। हाँ कौन? हेलो, मैं अरोरा बिल्डर बोल रहा हूँ। भाई अरोरा बिल्डर का फोन। क्यों रे खजूर, बिना पैसे दिए बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया ना? हाँ अब 4 CR चाहिए। कितना? 4 CR। पर आपने तो 2 करोड़ मांगे थे। वो बिल्डिंग शुरू होने से पहले बिल्डिंग शुरू कर दी ना तो उसका जुर्माना 2 CR, समझा? भाई जास्ती है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहाँ से दूंगा मैं? तेरे बच्चे लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, छोड़ने ड्राइवर जाता है और लेने बीवी। बोल बोल कब मारू उन्हें? बोल। स्टॉप इट, बंद करो ये सब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जबरदस्ती पैसा वसूल करोगे, दूसरों की बीवी बच्चों को मारोगे। चलो सॉरी बोलो। मैंने कहा सॉरी बोलो। बोलो सॉरी। होता है। ये भाई को क्या हो गया, धमकी देते देते सॉरी बोल के चल दिए? बहुत बड़ा लोचा है, धंधा गड़बड़ हो रहा है, वरना भाई और सॉरी बोले। उन्नू भाई ने दिन में भी सपने देखने शुरू कर दिए हैं, कुछ सोचना पड़ेगा। बंद करो ये सब। शर्मानी चाहिए तुम्हें। किसी भी इंसान को इतनी बेरहमी से मारा जाता है, तमीज नहीं है तुम्हें? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? कहीं भी घुस जाओ, गुंडागर्दी करो, मारपीट करो, जबरदस्ती पैसा वसूल करोगे। मैंने कहा सॉरी बोलो। मैंने कहा चलो सॉरी बोलो। सॉरी। क्या हुआ? सारा फोन डालेगा, एक घुमा डालेगा सारे को। भाई चुपचाप बैठना भाई, हिलना नहीं भाई, ए सारा खिड़की बंद करके। भाई क्या हुआ? भाई कुछ नहीं हुआ यार। पक्का? पक्का यार। ए तुम लोग बाहर जाओ, जाओ बाहर जाओ, फुर्ती करो। आउट। क्या भाई फिर गोली क्यों चलाई? ए भाई किसने चलाई गोली बता, मैं सारे को फोन डालेगा। अबे मैंने चलाई गोली। ए भाई रो मत, खिड़की बंद कर दूं, किसी ने देख लिया तो इज्जत की वाट लग जाएगी। भाई पागल हो रहा हूं मैं यार, भाई पागल हो रहा हूं यार, नींद नहीं आती यार, अजीब अजीब सपने आते हैं यार। भाई भाई आपकी तबीयत तो वाकई में खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जल्दी लेके चल यार मुन्नू। भाई की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। डॉक्टर? ए साला डॉक्टर, ए मुन्नू टॉप का डॉक्टर चाहिए। कुछ नहीं, इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस है और एंजाइटी है। एंजाइटी? ये क्या होता है डॉक्टर, एंजाइटी? देखिए ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें दिमागी थकान हो चुकी है, जिसकी वजह से ये नर्वस है और घबराते हैं। लगता है कि कोई डर इन्हें अंदर से सता रहा है। मुझे डर लग रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? ये पूरा शहर भाई के नाम से डरता है और तू कह रहा फाइटर रेला है। देखिए एक मिनट, डर इसे कहते हैं जो इस वक्त तेरे चेहरे पे है, समझा? डॉक्टर दुनिया को गोली खिलाता है ना, तू अभी भाई की गोली खाता तू? ये साला पागल डॉक्टर है तू, कल से इस हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं देखने का। साला मैं इतना होके खड़े लाए, तू इतना होके बैठे लाए। मुन्नू रोग भाई टेंशन में चल रहे ले हैं। भाई, भाई भाई क्या कहता हूँ, घबराने की बात नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। भाई मेरे को याद आ गया, वो जिसने हमारी गाड़ी ठोकी थी ना, वो भी डॉक्टर है, उसने मेरे को ये कार्ड दिया था, उसी के पास चलते हैं। ए भाई बहुत अच्छा डॉक्टर है, 6.5 फुट हाइट है, उसके पास चलते हैं। हाँ ये आपका ब्लड शुगर कुछ ज्यादा बढ़ गया है, इन दिनों आपने कुछ मिठाई तो नहीं ज्यादा खा ली? नहीं तो डॉक्टर साहब, कल ही तो खाई थी मिठाई। अरे कल तो प्रसाद खाया था मैंने थोड़ा सा। अरे तो प्रसाद को प्रसाद की तरह खाना चाहिए ना, खाने की तरह तो नहीं। डॉक्टर साहब मैं तो परेशान हो गई उनसे, अरे घर में डाइट फूड बनाती हूँ तो होटल चले जाते खाना खाने। तुम मुझे यहाँ दिखाने लाई है कि मेरी शिकायत करने आई है? अरे डॉक्टर साहब क्या बात कर रही है? अरे सुनिए मेरी बात को इतनी लाइटली मत लीजिए आप लोग, खाने पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो खामखा आपको इंसुलिन पर जाना पड़ेगा।
देखिए मैं आपका ब्लड शुगर अभी चेक कर लेता हूं। चल भाई, उठ भाई, ये क्या हो रहा है? चलो चलो चलो, नहीं भाई जी, बात करना, तेरे भाई का टाइम बंद हो गया, अभी जाओ, हो रही है, अभी जाओ, अभी जाओ, कौन है? डॉक्टर साहब आप? अरे आप हैं, हम लोग वहाँ जो सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था, देखिए भाई साहब, हमने तो उसी दिन आपसे कहा था कि पुलिस को बुला लेते हैं, बल्कि मैंने तो यहाँ भी कहा था कि गैराज चले चलते हैं, आप ही ने मना किया था कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, आप जितना भी नुकसान हो गया है गाड़ी के लिए नहीं, पेशेंट को लाए हैं। इमरजेंसी केस है क्या? इमरजेंसी इमरजेंसी? अच्छा, कहाँ है, कहाँ है पेशेंट इमरजेंसी का? जी कहिए। सीबीआई इंस्पेक्टर आदि। इंस्पेक्टर रॉय कहिए, पाशा कहाँ है? पाशा? हाँ, वो आदमी जो उस गाड़ी में आया था। इस जीप में आया था? हाँ, बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है। उसने पहले हम पर जानलेवा हमला किया और फिर हमारी जिप्सी लेकर भाग गया। क्या कह रहे हैं? जानलेवा हमला किया और फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या दो बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? क्या? और उसके सर पे इनाम भी है। कितना? 15 लाख का। 15 लाख? 15 लाख? 15 लाख? सवाल के क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। और जो भी उसे पकड़ने में हमारी मदद करेगा उसे सरकार से 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख? 15 लाख मुझे मिलेंगे, मैं पकड़ूंगा उसे, मैं पकड़ूंगा उसे। ओ, तो तुम लोग जिंदा बच गए? हम लोग तो बच गए पाशा, लेकिन कानून के हाथ से तुम नहीं बच सकते पाशा। पाशा? पाशा कौन? तुम पाशा। मैं पाशा? बोला ना, मैं पाशा। हाँ पाशा। योर गेम इज ओवर पाशा। क्या पाशा पाशा लगा रखा है? आई एम इंस्पेक्टर कबीर। पाशा भाई, पाशा भाई, दुबई से कब आए? मैं पाशा नहीं हूँ। ओके। अरे मैं पाशा नहीं हूँ। पाशा भाई, पाशा भाई, इंस्पेक्टर आदि आपको कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। आई लव इंस्पेक्टर आदि, आई लव इंस्पेक्टर रॉय भी है। भागो भागो, पकड़ के थाने ले जाऊंगा, 15 लाख मिलेंगे। पकड़ लो, पकड़ लो पाशा को, 15 लाख। पकड़ लो, 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 प